आकिब सर आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन की अगर बोलिंग की बात करें तो आज बड़ी ज़बरदस्त बोलिंग की उन्होंने, 54 रन पर उन्होंने 5 विकेट्स भी लीं, और अगर इकॉनमी की बात की जाए तो अब तक की पाकिस्तान टीम में उनकी बहुत बेहतरीन इकॉनमी रही, बेस्ट इकॉनमी रही, उनका क्या माइंडसेट है? क्योंकि अगर देखें तो बाकी भी बॉलर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस अगर हम कंपैरिजन करें शाहीन की बॉलिंग के साथ तो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस हमें नज़र आता है। देखिए नया बॉल जिस तरह से बॉल में सीम हो रहा था, बहुत गंदी बॉल इंक्लूडिंग शाहीन। जब आपके पास आपको पता है कि आपका बॉल जो है वो सीम हो रहा है तो आप एक एरिया पे अगर आप 3-4 बॉल, वार्नर तो बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था जी, वहाँ पे आपको इजीली अगर ये राइट एरियाज में हसन अली है, ठीक है आपकी पेस नहीं है, लेकिन एक जगह के ऊपर आप सीम हिट तो कर सकते हैं, बेसिक बॉलिंग तो कर सकते हैं जी, वहां पर शुरू में थोड़ी मार रहे थे वो वो तो जब आपने हर तरफ बॉल कराए हैं, कुटांग पे जा रहा है कोई, पांचवी स्टंप ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा है, इन्होंने मार खानी खुद शुरू की है। हालांकि वो शुरू में वो देवर अंडर प्रेशर जिस तरह से बॉल मूव हुए हैं, इन्होंने बॉल ही नहीं की एक जगह के ऊपर। 10 ओवर में इस पिच के ऊपर अगर अच्छी सीम बॉलिंग होती तो 40 से 50 रन बनने थे और उनकी 2 विकेटें भी गिरनी थी। ये ऐसी पिच थी शुरू में जो 8 ओवर जिस तरह से बॉल सीम हुआ है। ये तो उसके बाद बीच में तो आसान है बॉलिंग, क्योंकि कितने मैच हो गए उसमें जो भी बॉलर आता है, स्टोनिस ने भी आके आउट किए, ऑफ स्पिन कराता है उसमें भी करते हैं। आपकी सक्सेस ये होनी चाहिए थी कि हारिस रऊफ को 10 ओवर में दायरे में आप ओवर ना दे, उसको आप लाते, आप शुरू में अपने बॉलर्स यूज करते, उसको लेके आते आप 15-16 ओवर के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं आप सोच रहे थे कि हमने इनको 200 में आउट करना है। व्हेन यू थिंकिंग अबाउट कि ये पिच 325-30 की है तो फिर आपने देखना कि ये मेरा बेस्ट बॉलर है, उससे बेस्ट रोल में ये मैं उसको वहाँ यूज करूँगा जहाँ इनका मोमेंटम ऊपर जा रहा होगा, तो फिर हमने इनको वहाँ से पकड़। इसमें एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, वो ये कि कैप्टनसी के जैसे मैंने रमीज भाई से पूछा, ये सब डिसीजन बाबर ने करने थे कि हारिस को कब हमने इंट्रोड्यूस कराना है। शाहीन जब पहला स्पेल उसका गया, कैच ड्रॉप हुआ, तो आपने देखे कि उसको बहुत लेट लाया गया सेकंड स्पेल में। अगर आपको जब वो 50-60 से 70 पे खेल रहे थे उस टाइम उसको दोबारा 2-3 5 ओवर कराने चाहिए थे। क्योंकि आप यूज करते हैं कि ये शुरू में रन्स बनते हैं जी, जो आप ये सोच रहे हो शाहीन 6 ओवर 7 ओवर जा रहा है, आप दूसरा बॉलर लाओगे वो 10 ओवर 12-16 खाएगा जी, तो आप 10 ओवर अच्छे गुजार लो। आपको पता है कि 20 ओवर के बाद किसी भी बॉलर को लगाऊंगा उसको उतनी मार नहीं पड़ेगी। नहीं, जब 150 करवा लिया 234 रन की पार्टनरशिप के बाद शाहीन को लाना, फिर तो एक आप आउटसाइड चांस ले रहे थे। और नवाज को हमने देखा और इफ्तिखार को देखा, 4.37 की इकॉनमी थी, उससे ओवर पूरे नहीं करवाए आपने, तो इस डिसीजन को भी कैसे देखते हैं आप? देखिए ये ज़रूरी नहीं होता आपने अपने बॉलर जो मेन बॉलर जो उनके पूरे ओवर हमेशा ही कराने, आपने ये देखना है कि अब जब शुरू में मार पड़ गई कि हम किस तरह से ये 400 होने से, ये तो 400 तो पक्का था, अगर वो मैक्सवेल को भेज के गलती ना करते, उन्होंने वहाँ भेजा विकेट टू विकेट विकेटें गिरी और वो जो स्कोर 400 से ज़्यादा होना था वो नीचे आ गया जी। तो इसमें ऑप्शंस आपको हमेशा ये देखना है कि मेरे न्यू बॉल बॉलर कौन से हैं और मेरा मिडल में कौन सबसे इफेक्टिव बॉलर हो सकता है और डेथ में कौन हो सकता है। बिल्कुल ये नहीं है कि आप जिद लगा लो कि वो शाहीन करा रहा है, हसन करा रहा है दायरे में, तो हारिस क्यों नहीं करा सकता? करा सकता है, 24 भी खा सकता है।